देखो, 3D ऑब्जेक्ट देखो दो तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हो, या फिर आपको, या फिर ये ले सकते हो कॉस्मोस ब्राउज़र से, इसमें जो रेडीमेड मॉडल्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास खुद के जो मॉडल्स है, अगर आपको खुद के मॉडल जो होता है उनको आपको इम्पोर्ट करना है तो देखो, एक एक और ऑप्शन है जो मैंने अभी लेटेस्ट में मैं यूज़ करता हूँ, स्मार्ट मर्ज, जो मैंने बाय किया हूँ ये स्क्रिप्ट। अगर आपको चाहिए ये स्क्रिप्ट तो आप ले सकते हो, ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी बना देता है इम्पोर्ट करने में। जैसे कि अगर मेरे को कोई भी एक पूरा एक जो मॉडल्स का जो होता है, जैसे जिप फाइल में आते हैं मॉडल्स, जैसे आप दिखा सकता हूँ मैं, कि जैसे मैं यहाँ पर गया, तो अगर ये भी चाहिए, अगर जैसे कि मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ बेड एंड ये वाला, इसको मैं इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, इसमें लिया ये सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर में क्या करता है कि ये जो भी फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसमें से जो मैक्स फाइल होती है उसको ले लेता है, और मैं इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, इधर पर क्लिक किया सेलेक्ट करके एंड मर्ज। तो अब यहाँ पर देखोगे जो वो बेड का मॉडल था विथ टेक्सचर के साथ में यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो तो मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया और सीधा मर्ज हो गया विथ टेक्सचर के साथ में, और पूरी तरह से तो इस लाइटिंग वाइटिंग जो भी थी इसमें, टेक्सचर जो भी था वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अभी ऐसे ही मैं दूसरा भी मॉडल एक और कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे समझेगा आपको। जैसे दूसरा मॉडल लाइक अभी जैसे कि ग्रासेस प्लांट वगैरह दिख रहा है कुछ, ऐसा कुछ है, इसको मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर से, ड्रैग किया। अभी ये भी इसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, इसमें से जो मैक्स फाइल है उसको ले लिया, इसको मैं ड्रैग करते यहाँ पर लेके आता हूँ, ड्रैग करके नहीं इधर से मैं करता हूँ, मर्ज करना पड़ेगा मुझे। जब मर्ज किया तो यहाँ पर देख सकते हो तो जो ग्रासेस थे, जो भी वो प्लांट था, वो पूरा पूरा प्लांट मुझे यहाँ पर विथ टेक्सचर के साथ में आ चुका है। अभी बोला कि इसका टेक्सचर तो ऐसा दिख रहा है, वो टेक्सचर है इसके अंदर। अब थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है अभी ये पूरा तो है, अभी ये रेंडर में दिखेगा, ये इस तरह के मटेरियल से, ये इस तरह के मटेरियल क्या रेंडर में नज़र आता है, इनकी पूरी पूरी ग्रास वाली जो इफेक्ट्स है ये मुझे रेंडर में ही नज़र आएगा, कंप्लीट ग्रास जैसा था वैसा अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरीके से ये टूल का यूज़ कर सकता हूँ मैं, इसके ज़रिए करता हूँ, जो इजी बना देता है मेरे को करने में, इम्पोर्ट करने में। बाकी तो लॉन्ग प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, लॉन्ग प्रोसेस बहुत सारे, लॉन्ग प्रोसेस में कैसा रहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज़ को इम्पोर्ट करना है विद टेक्सचर के साथ में, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका, उसको एक सेपरेटली एक जगह ओपन करो। जैसे लाइक अगर मेरे को किसी भी मॉडल को ओपन करना, सबसे पहले तो मेरे को क्या है कि उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, पहले तो ये जो जिप फाइल है उसको मेरे को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको कुछ देख लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करूँगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर इसके अंदर का जो भी मॉडल्स, जैसे मैक्स फाइल ये रही, उसको मैं इधर पे ओपन करूँगा अपनी फाइल में। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर हम लोग को देखेंगे, हाँ इधर पे उसका टेक्सचर वगैरह आ रहा है कि नहीं अच्छे से, अगर नहीं आ रहा है तो उसको आपको सैत पात करना पड़ेगा पहले। सैत पात कैसे कर सकते हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट होती है ये कलेक्ट एसएस के ज़रिए, जो भी टेक्सचर्स है उसको सैत पात करना होता है, सीधा सैत पात कर देंगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये ओके हो गया टेक्सचर्स। ठीक है, फिर मेरे को उसको फाइल को सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद ओके ये सेव हो चुका है, फिर मैं इसको कहीं पर भी मर्ज करूँगा, एक बार टेक्सचर ओके हो जाने के बाद फिर एक बार मैं कहीं पर भी मर्ज करूँगा फिर तो टेक्सचर मिसिंग नहीं आएगा उसके लिए। अगर मैंने कोई भी इंटीरियर अगर कुछ भी बनाता हूँ, लाइक अगर मैंने कुछ बनाया, कुछ भी रेडी किया, ठीक है कोई भी इंटीरियर बनाया, कुछ भी मैंने क्रिएट किया, ठीक है, अब मेरे को इधर पे उसको वो मॉडल को यहाँ पर मर्ज करना है, तो अभी मैंने उसको सेव कर दिया हूँ, उसके टेक्सचर को सेव कर दिया ओके करके, तो मैं सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा मैं मर्ज कर सकता हूँ, तो मर्ज करूँ तो उसके टेक्सचर के साथ में वो इम्पोर्ट हो जाएगा बिना टेक्सचर मिसिंग आए। ये देख सकते हो टेक्सचर भी, सारे सारे टेक्सचर भी इसमें आ रहे हैं, कोई भी टेक्सचर मिसिंग नहीं आ रही है। अगर मैं सीधा मर्ज नहीं, ऐसे डायरेक्टली मैं मर्ज करता बिना सेट पाथ किए, बिना सेट पाथ करे करे करूँगा टेक्सचर मिसिंग आएगा। जैसे मैं इसके जैसा ही मैंने कोई दूसरा मॉडल लेता हूँ, जैसे लाइक इसको, तो इसको अगर मैं वैसे ही करता हूँ बिना सेट पाथ किए मर्ज करने की कोशिश करूँगा तो आप देखोगे इसके टेक्सचर मिसिंग आएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको भी मर्ज करके दिखाता हूँ, लाइक ये रहा एक, और ये ब्रेकफास्ट का कुछ मॉडल है। ठीक है, अरे मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, सीधा मर्ज करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखोगे उसके टेक्सचर्स मिसिंग
आ जाएंगे यहाँ पर, देख सकते हो इसके जो फ्रूट्स है, उसके जो ये देखते हो ये इसका टेक्सचर नहीं आया है, इसके अंडे का टेक्सचर नहीं आया है, जो कुछ खाने की चीज़ें थी उनका टेक्सचर नहीं आया है, ठीक है, समझ सकते हो। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, अगर इस तरह की चीज़ें हो रही, देखो इसको भी मिसिंग आ रही है, तो मिसिंग आ रही है तो उसको फिर हम लोग को सर्च करना पड़ेगा किधर पे वो टेक्सचर था, किस जगह पे टेक्सचर था, उस जगह से उसको फिर से रिकॉल कराना पड़ेगा, उसके टेक्सचर को दोबारा से यहाँ से फाउंड करके सर्च करना पड़ेगा, सर्च करके, अभी सर्च करके फाउंड हो गया, ठीक है, तो फाउंड हो गया, या फिर आपको यहाँ से उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी किसी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे आपको वहाँ पर आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ये सब सारी चीज़ें कर पाना, ठीक है, और ऐसा कुछ करना है तो आपको ये थोड़ा लॉन्ग बन जाता है, ठीक है, तो होता है मर्ज, मगर जाके उसमें क्या कि आपको टाइम ज़्यादा जाता है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने इसको किया, फिर इसको कलेक्ट करूँगा तभी यहाँ पर फिर वो टेक्सचर वगैरह सारी चीज़ें आने लग गए, ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो आ गई। अभी इसके जगह पे अगर मैं जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले टूल बताया, कौन सा टूल थोड़ा टाइम पहले, ये वाला टूल जिसे वो बोलते हैं स्मार्ट मर्ज करके, ये टूल है स्मार्ट मर्ज वाला टूल है, अगर आपको ये टूल चाहिए तो आप मुझे बाद में पर्सनली मैसेज कर सकते हो, इसका जो प्राइसिंग, ये क्या है कि लाइफ टाइम यूजिंग है, अगर आप एक बार खरीद लेते हो उसको आपको ये लाइफ टाइम यूज़ पड़ेगा, लाइफ टाइम आप इसको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपने ले लिया आपके पीसी में इंस्टॉल हो गया तो आप इसको जितने बार भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो, जब तक आपका पीसी फॉर्मेट नहीं होता तब तक तुम्हारी आपके ऊपर है, ठीक है, आपको इसके सॉफ्टवेयर पूरे मिल जाएंगे, आप खुद भी बाद में इंस्टॉल करना चाहो खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, जैसे लाइट वाला ऑप्शन होता है, एक फुल मोड ऑप्शन है, लाइट वाले में कि कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं तो लाइट वाले में चले गए, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अभी जैसे कि मेरे को यहाँ पर से जो अभी मैं यही वाला देख रहे थे ब्रेकफास्ट वाला, इसी को हम लोग दोबारा करते हैं, ट्रैक किया यहाँ पर, सॉरी अभी ये तो क्या है कि एक्सट्रैक्ट हो चुका है, एक्सट्रैक्ट हुआ चीज़ें नहीं होगी इसमें, इसको ध्यान देना है आपको, एक्सट्रैक्ट हुई चीज़ें नहीं होंगी, जो ऐसे जिप फाइल में है तो जिप फाइल की वो चीज़ों को अच्छे से कर सकते, जैसे कि अभी जिप फाइल वाली चीज़ को लेता हूँ, जैसे जिप फाइल वाला ये है ब्रेकफास्ट, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सब पूरा चेक कर रहा है, ओके 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 सारी चीज़ें, कुछ भी सारी चीज़ें, कोई भी इसको कुछ चीज़ें नहीं नज़र आ रही है, ये कोई शेप नहीं है, कोई मोड नहीं, ओके अब देख सकते हो ये सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, और यहाँ पर सॉरी अच्छा इसने बस चेक किया इसको, तो फुल मोड में चलता है, ओके यहाँ पर आ गया, तो अभी यहाँ पर मैं मर्ज करता हूँ, देखो कोई टेक्सचर मिसिंग, फटाक से विद टेक्सचर के साथ में मर्ज हो गया, विद टेक्सचर के साथ में देख सकते हो, विद टेक्सचर के साथ में इधर पे मर्ज हो चुका है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा, बिना टेक्सचर मिसिंग के काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। pixiv.com यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स, और भी यहाँ जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।